प्यारे छात्रों अभिनंदन, मेरा नाम डॉक्टर कुमार प्रनीत गोयल है और हमारे YouTube चैनल ए टू जेड करियर स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स में आपका स्वागत है। और मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ एक नया चेहरा जो हमारे साथ अभी जुड़े हैं ए टू जेड करियर्स में, इंजीनियर अरविंद यादव, जो आपको जूनियर इंजीनियरिंग के एग्जाम्स बेल, सेल, ATC, रेलवे, DMRC आदि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की टेक्निकल प्रिपरेशन कराया करेंगे। और आज इन्होंने जो टॉपिक लिया वो फिजिक्स का टॉपिक है, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में, फिजिक्स में, इलेक्ट्रिकल में आता है सेमीकंडक्टर, उसके बारे में ही आपको डिटेल से बताएंगे। तो आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ इंजीनियर अरविंद यादव से। आइए स्वागत करते हैं इंजीनियर अरविंद यादव जी का। जी को हाय स्टूडेंट, मेरा नाम इंजीनियर अरविंद यादव है। मेरे यूट्यूब चैनल ATZ करियर में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं आप लोगों के लिए आज बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आया हूँ, सेमीकंडक्टर। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगा कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। उसके पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इससे पहले और क्या है हमारे पास, कौन कौन से मटेरियल से कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर। जैसा आप देख रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, सॉलिड कितने टाइप्स के होते हैं। नंबर एक जो हमारे पास है वो है कंडक्टर, नंबर दो इंसुलेटर और नंबर तीन सेमीकंडक्टर। मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले कि कंडक्टर क्या होता है। जैसा मैंने यहाँ पर लिख रखा है, वह पदार्थ या वह मटेरियल जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, लगभग 10^22 पर यूनिट वैल्यू। इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद उसमें आवेश का फ्लो आसानी से होने लगता है। इसकी प्रतिरोधकता रो की जो वैल्यू होती है 10^-2 से लेकर 10^-8 ओम मीटर तक होती है। और इसकी कंडक्टिविटी जो होती है, कंडक्टिविटी का फार्मूला होता है रो ओमेगा इक्वल टू 1/ρ, इससे निकल के आता है। अगर आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ से निकल के आएगा 10^2 to 10^8। दोस्तों एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये लाइन है, हमसे पूछी जाती है ये, आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा कि कंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, उसकी वैल्यू क्या होती है। आपको चार ऑप्शन दिए रहेंगे, वहां पे एक में रहेगा 10^-2 to 10^8 और थ्री ऑप्शन क्या रहेंगे, राउंड रहेंगे। वहां से आपको ये चीज निकल के आती है, इसको आप विशेष ध्यान रखना। यहाँ पे पूछता है कि कंडक्टिविटी क्या होती है या फिर रेजिस्टिविटी क्या होती है, इनकी वैल्यू पूछता है। और आप ये यूनिट जरूर ध्यान रखिएगा कि रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या होती है, ओम मीटर होती है। आपको नेक्स्ट में बता रहा हूँ इंसुलेटर क्या होता है। इंसुलेटर यहाँ पे मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए लिखा हुआ है कि आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको नोट्स बनाने के लिए लिखा हुआ है कि आप अपने नोट्स बनाना चाहते हैं तो नोट्स बना सकते हैं। वह पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते या निग्लेक्ट के बराबर होते हैं और इसमें बहुत अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद भी लगभग चार्ज का फ्लो क्या होता है, निग्लेक्ट के बराबर होता है। अतः इनकी प्रतिरोधकता क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। एग्जाम से ये पूछता है कि इंसुलेटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है, तो ये हमको याद रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से 10^11 to 10^19 ओम मीटर। और यूनिट का खास ध्यान रखना है कि यूनिट में वहां पे कभी कभी वैल्यू सही देता है और यूनिट में आपको कंफ्यूजन कर देता है, इसलिए हमें इसका भी ध्यान रखना है। और इनकी कंडक्टिविटी भी बहुत कम होती है, क्योंकि जो कंडक्टिविटी होती है वो हमारी रेजिस्टिविटी के इनवर्स होती है, तो आ जाएगी आपको 10^-11 to 10^19 होती है। जैसे इसमें आ जाते हैं हमारे इंसुलेटर में आ जाते हैं ग्लास, रबर, माइका, या फिर हम यह कह सकते हैं ऐसे पदार्थ जिसमें करंट का फ्लो नहीं होता है या बहुत निग्लेक्ट के बराबर होता है, इस पदार्थ को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। सेमीकंडक्टर वह पदार्थ होते हैं जिसकी रेजिस्टिविटी कंडक्टर से ज्यादा तथा इंसुलेटर की अपेक्षा कम होती है। उसकी वैल्यू क्या है, रो इज इक्वल टू 10^5 to 10^6 ओम मीटर। ये चीज आप जरूर ध्यान रखना है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में बैठेंगे तो ये चीज पूछ देता है कि सेमीकंडक्टर की रेजिस्टिविटी क्या होती है, तो आपको जरूर ध्यान रखना 10^5 to 10^6 ओम मीटर। और यूनिट का भी आप खास ध्यान रखेंगे, क्योंकि वहां पे चार ऑप्शन रहेगा, हो सकता है कि आपको ये वैल्यू सेम मिले लेकिन वहां पे आपको यहाँ पे वो कंफ्यूजन करने की कोशिश करेगा, इसलिए आप इस चीज का ध्यान रखेंगे कि यूनिट इसकी क्या होती है, ओम मीटर होती है। या फिर हम ये कहें कि ऐसे पदार्थ जिसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बच्चों 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको भी हम क्या कह देते हैं, सेमीकंडक्टर। जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम, आप देखेंगे इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 14। अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटेशन करेंगे तो 284। आउटर सेल में हम जैसा देख रहे हैं इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। और मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ऐसे पदार्थ जिसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो, 4 इलेक्ट्रॉन्स हो, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहेंगे, सेमीकंडक्टर कहते हैं। ऐसे हम देखते हैं जर्मेनियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक
एटॉमिक नंबर कितना इसका 32 है, इसका इलेक्ट्रॉन क्लासिफिकेशन आप करेंगे तो 2 8 18 है 4। यहाँ पर भी देखिए इसके ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जा रहे हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो कहने का मतलब ऐसे पदार्थ जिसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करने के बाद उनके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर कहते हैं। सबसे ज्यादा हम इन दोनों का यूज करते हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। अगर मैं ये कहूँ कि इन दोनों में सबसे ज्यादा किसका यूज करते हैं तो हम इसके लिए बताएंगे सबसे ज्यादा सिलिकॉन का यूज करते हैं। और क्यों करते हैं ये मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि सबसे ज्यादा सिलिकॉन का ही हम क्यों यूज करते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को इसके पहले वीडियो मैंने आपको बताया कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर क्या होते हैं। और यहाँ पे हम आपको उसी चीज को एनर्जी बैंड गैप डायग्राम के अकॉर्डिंग बताएंगे कि हमारा कंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर क्या होता है और इंसुलेटर क्या होता है। जो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, अगर आप जेई एग्जाम दे रहे हैं उसमें पूछा जाता है, अगर आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं, डिप्लोमा कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं, कहीं से भी हो, तो वो आपको थियोरेटिकल एग्जाम्स जो होते हैं उसमें भी फिर से पूछा जाता है आपको कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर अकॉर्डिंग टू एनर्जी बैंड गैप डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे कुछ चीज़ें हमें मिलेंगी, जैसे बैलेंस बैंड मिलेगा आपको, कंडक्शन बैंड मिलेगा, एनर्जी बैंड गैप मिलेगा। उस चीज़ को भी हम यहाँ पे आपको बताएंगे कि कैसे क्रिएट होता है बैलेंस बैंड हमारा, कैसे क्रिएट होता है हमारा कंडक्शन बैंड और कैसे कंडक्ट होता है हमारा एनर्जी बैंड गैप, किसे हम कहते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए एक एटम हमारा ये है, ठीक है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा एटम हमारा ये है, इसमें भी क्या है एक इलेक्ट्रॉन है। हम देखते हैं कि ये जो इसका पॉजिटिव है, ये इसको इलेक्ट्रॉन है, इसको क्या करेगा, अट्रैक्शन करेगा, इन दोनों के बीच एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। और इसके पास में एक दूसरा और भी मॉलिक्यूल है, ठीक है, यहाँ पर भी ये इलेक्ट्रॉन्स है, और इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या लगेगा, रिपल्सन फोर्स भी लगेगा। ऐसे ही हम ये देखें, अब इन दोनों के बीच में रिपल्सन लग रहा था क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, ये भी इलेक्ट्रॉन्स है, दोनों पे सेम चार्ज है, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अब इसको इसके साथ में अगर हम देखेंगे तो क्या ये पॉजिटिव चार्ज है, ये एक तरह से नेगेटिव चार्ज है, इनके बीच में क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। इस तरह से कहने का मतलब हमारा ये है कि जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं और जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनकी एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी, ना कि कोई एक पॉइंट पे होगी, मतलब इनकी एनर्जी क्या होगी, थोड़ा बहुत इनमें क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, जैसे मैंने एक कोई मेटल कॉमन से लिया ए, इसका नाम हमने क्या लिया, ए इसका नाम। अब इसलिए क्या है, यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे, इस तरह के इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, सारे ये क्या हमारे हैं बैलेंस, इसके आउटर सेल में बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। इसमें अगर हम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, इन सेंस मतलब पे कहते हैं कि अगर रूम टेम्परेचर पे हम बात करें तो इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे लगभग जीरो होंगे। और बहुत ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आपको, इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम, अगर बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो भी इसमें जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना बहुत कम होंगे, बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होंगे। तो इस तरह से हमने देख लिया कि यहाँ पे जो हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन थे, मैं आपको यहाँ पे एक डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे देखिए आप, मान लीजिए जहाँ ये बैलेंस थे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन जिसके आउटर सेल में है, मैंने इसके अकॉर्डिंग बताया आपको कि इनकी एक फिक्स लेवल नहीं है, क्योंकि इसकी एनर्जी कुछ और है, इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कुछ और है, क्योंकि किसी पे अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है, किसी रीजन से किसी पे क्या लग रहा है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है, इस वजह से इनकी एनर्जी में क्या है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, मतलब इनकी एक रेंज है। तो इस तरह से मान लीजिए यहाँ पे जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, मैंने यहाँ पे ड्रा कर दिया इस वाले की, मान लीजिए मैंने देख लिया कि यहाँ पे है, जो दूसरा वाला वो कहीं यहाँ होगा, इसी तरह से मतलब इनका एक क्या होगा, रेंज होगी, मान लीजिए इनकी इनकी इस तरह से क्या बन जाएगी, एक रेंज बन जाएगी इलेक्ट्रॉन्स की, क्या हो जाएगी यहाँ पे रेंज बन जाएगी। और ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और इनके कारण ये रेंज बन रही है, इसलिए इस बैंड को हम क्या बोलेंगे, बैलेंस बैंड बोलेंगे। यहाँ पर मैंने आपको लिखा था, ये भी आपको बताएंगे कि हमारा बैलेंस बैंड क्या है। तो इस बैंड को हम क्या कह देंगे, बैलेंस बैंड कह देंगे, बैलेंस बैंड कह देंगे। और जब हमने इसको बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो फिर भी जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, बहुत कम मात्रा में ऐसे इलेक्ट्रॉन्स थे कि जो यहाँ से इसको फ्री हो पाए, ठीक है। और यही फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं करंट कंडक्शन के लिए क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यही करंट कंडक्शन की क्या करंट कंडक्शन की क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसलिए इस बैंड को, इनके द्वारा जो बैंड बनती है उसको हम बोलते हैं क्या,
कंडक्शन बैंड, इनकी भी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। मैंने आपको लॉजिक बताया कि क्यों ये डिफरेंट डिफरेंट है इनकी एनर्जी, तो इस वजह से यहाँ पर भी मैंने एक बैंड बना लिया। क्योंकि कुछ इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी यहाँ पे है, कुछ और इलेक्ट्रॉन से क्रिएट उसकी एनर्जी यहाँ, तो इस तरह से एक बैंड बन गया। इस बैंड को हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि बैलेंस बैंड क्या होते हैं, कंडक्शन बैंड क्या होते हैं। तो हमने देखा कि जो ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे ये कंडक्शन बैंड में जब पहुंचते हैं तभी ये क्या बनते हैं, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनते हैं। तो इन दोनों के बीच में एक एनर्जी गैप होता है, मतलब इसको हम यहाँ से यहाँ तक पहुँचाने के लिए कुछ एनर्जी देंगे, तब ये जाकर क्या हमारे होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो ये जो गैप होता है एनर्जी का यहाँ से यहाँ तक, ये जो एनर्जी का गैप होता है यहाँ से यहाँ तक, इसी को हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप बोलते हैं। इसके बीच में कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, और किसी भी इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स बनाने के लिए इस एनर्जी गैप के बराबर एनर्जी इसको बैलेंस बैलेंस इलेक्ट्रॉन को देना पड़ेगा, तब जाके क्या होगा, हमारा कंडक्शन बैंड में जाएगा और वहाँ पर क्या होगा, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह के मटेरियल को हम क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, लगभग निग्लेक्टेबल होते हैं, जिसमें करंट का फ्लो नहीं हो पाता है। तो मैंने आपको बताया बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद भी बहुत कम मात्रा में हमारे पास क्या हो गए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स उपलब्ध हो पाए, वो भी निग्लेक्ट के बराबर। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कह देंगे, इंसुलेटर। अगर हम इसकी वैल्यू, एनर्जी गैप की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो वो आती है ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, ग्रेटर देन कितनी आती है, 5 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट। ये जो एनर्जी आती है निकल के हमारे क्या आती है, ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट के बराबर आती है। मैं अब आपको ये बताना चाहता हूँ, जो दूसरा नंबर का मटेरियल हमारा बी मटेरियल है ये वाला, इसमें रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर पे भी इसमें कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल रहते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन फिर भी उस मात्रा में क्या होते हैं, यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं हमारे रूम टेम्परेचर पे। और इसमें थोड़ी सी इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने का, बहुत कम मात्रा में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पे क्या होता है, ये बैलेंस बैंड हमारा क्या होता है, टूट जाता है, और यहाँ पे क्या इसमें कन्वर्ट हो जाता है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स में कन्वर्ट हो जाता है। ये इस तरह से मान लीजिए यहाँ से कोई टूट रहा है, फिर यहाँ से टूट रहा है, इसमें जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसकी अपेक्षा ज्यादा होते हैं। आप लीजिए यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने लगाया फिर भी नहीं क्रिएट हो पाया, लेकिन इसमें क्या होता है, रूम टेम्परेचर भी कुछ होता है और थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर क्या होता है, हमारे जो बैलेंस बैंड टूटते हैं क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे कन्वर्ट हो जाते हैं। मतलब कम एनर्जी देने के बाद क्या होगा, ये हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन किस पर चले गए, कंडक्शन बैंड में चले गए हमारे। तो यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, डायग्राम दिखा देता हूँ, देखिए आप यहाँ पे। सर ये रूम टेम्परेचर सर्दी और गर्मी में सेम रहेगा या अलग हो जाएगा? जैसा कि किसी स्टूडेंट ने हमसे पूछा कि सर ये क्या गर्मियों में और सर्दियों में रूम टेम्परेचर वेरिएशन होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इसकी जो एक वैल्यू होती है 28 से लेकर 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक, तो लगभग नियर अबाउट सभी मौसम में कॉन्स्टेंट रहती है, इसीलिए हम कॉमन शब्द यूज कर लेते हैं रूम टेम्परेचर। ये नहीं कभी आपने देखा होगा तो उसमें बताया जाता है कि सर्दियों में रूम टेम्परेचर या गर्मियों में रूम टेम्परेचर, इसलिए हम सिंपल से भाषा में आप यूज कर लेते हैं। अब यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे हैं यहाँ पे हैं सारे, और मैंने आपको वहां पर बताया कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद क्या होंगे, ये बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे किस में पहुंच जाएंगे, कंडक्शन बैंड में पहुंच जाएंगे, यहां पे पहुंच जाएंगे, और ये जो हमारी बैलेंस बैंड है वो क्या हमारी है, बैलेंस बैंड, और ये वाली जो हमारी बैंड है ये हमारी है कंडक्शन बैंड। जैसा हम देख रहे हैं इन दोनों के बीच, अगर इसका और इसका कंपेयर करते हैं तो इसमें एनर्जी गैप आप देख रहे हैं कि ज्यादा है, लेकिन इसमें एनर्जी गैप क्या है, कम है इसकी अपेक्षा। इसी तरह हम आपको देखते हैं मटेरियल सी हमारा जो है, इसमें बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, इसमें रूम टेम्परेचर पे ही बहुत ज्यादा मात्रा में क्या होते हैं, हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैं ये कह दूं कि ये जो मटेरियल सी है इसमें जो कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स है, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है और कंडक्शन, दोनों की एनर्जी लगभग क्या है, सेम है। जो बैलेंस में इलेक्ट्रॉन है वो कंडक्शन में इजीली मूव कर जाता है, और जो इसमें है कंडक्शन बैंड में वो बैलेंस बैंड में भी इजीली मूव कर जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये दोनों लेयर है, कंडक्शन बैंड लेयर और
ये हमारी बैलेंस बैंड लेयर दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करती है, ओवरलैप करती है, क्योंकि इसकी इसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है और कंडक्शन इलेक्ट्रॉन की जो बैलेंस एनर्जी है दोनों क्या होती है, बराबर होती है लगभग, तो ये एक दूसरे पर क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं। मैं आपको यहाँ पर छोटा डायग्राम बना के बता देना चाहता हूँ। ये मान लीजिए हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड है, ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड। मैं थोड़ा सा बस कंडक्शन लिख के छोड़ दे रहा हूँ। दूसरा जो हमारे में है, मैंने आपको बताया ये दोनों की एनर्जी लेवल क्या होता है, लगभग सेम होता है ऐसे। ये हमारा क्या है, बैलेंस। बैलेंस बैंड। तो हम ये देख रहे हैं कि ये वाला जो पोर्शन हमारा है, जो पोर्शन हमारा देखिए आप, ये वाला पोर्शन ये ओवरलैप कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि जो बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो एनर्जी है और जो कंडक्शन में बैंड में इलेक्ट्रॉन्स है उनकी जो एनर्जी है क्या है, सेम है। तो मतलब एक दूसरे में क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर रहे हैं। टोटल कंफ्यूजन निकल के हमारा ये आया, आप देखिए यहाँ से कि जो हमारा इंसुलेटर होता है उसमें एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, इसमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप क्या होता है हमारा बहुत ज्यादा होता है, लगभग कितना होता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है। और अगर हम इसकी बात करें तो नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमारा होता है सेमी कंडक्टर में, कितना होता है, नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यहाँ पे मैंने ये सिंबल लगाया, आप देखिए ये वाला जो सिंबल है नियर अबाउट का सिंबल है। तो अगर हम सेमी कंडक्टर की बात करें तो ये इसके बीच में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में क्या एनर्जी गैप कितना हमारा, लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और ये जो हमारा कंडक्टर है इसमें कोई एनर्जी गैप नहीं है, ये हमारा क्या हो गया, कंडक्टर हो गया। आप जैसा देख रहे हैं इसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा है, इसके पहले वाली स्लाइड में मैंने आपको बताया कि कंडक्टर वो मटेरियल्स होते हैं जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितना होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। तो आप देख रहे हो ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद है, ठीक है, इसलिए हमारे क्या हो जाएगा, कंडक्टर हो जाएगा। आपको उसके पहले वाली वीडियो में मैंने बताया कि इंसुलेटर वो मटेरियल होते हैं जिसमें नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होते हैं। आप यहाँ से भी देख सकते हो कि बहुत ज्यादा एनर्जी लगाने के बाद बहुत ही कम मात्रा में यहाँ से यहाँ पहुँचना इलेक्ट्रॉन्स लगभग ये कह सकते हैं इलेक्ट्रिकल के बराबर होते हैं। तो और इसके बीच में एनर्जी गैप कितना है, ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और सेमीकंडक्टर की बात करें हम तो ये जो सेमीकंडक्टर है इन दोनों के बीच की प्रॉपर्टी रखता है, मतलब इसकी कंडक्टिविटी जो होती है इसकी अपेक्षा क्या होती है, कम, लेकिन इसकी अपेक्षा क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ऐसे मटेरियल को हम क्या कह देते हैं, सेमीकंडक्टर कह देते हैं। मैं आपको यहाँ बताने जा रहा हूँ कि सेमीकंडक्टर क्या होता है। सेमीकंडक्टर बेसिकली हमारे कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, नंबर 1 इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, नंबर 2 एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। और जो हमारा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है इसको हम कहते हैं अनप्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, या जो हमारा इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है इसको हम क्या कहते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं। और अगर हम इसमें किसी चीज की डोपिंग कर दें जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर, उसमें कोई हम अशुद्धि मिला दें तो हमारा क्या बन जाएगा, वो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। और ये अगेन दो भागों में क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा, नंबर 1 एन टाइप सेमीकंडक्टर, दूसरा हमारा क्या बन जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर। मैं आपको बताऊंगा कि जो हम डोपिंग करते हैं डोपिंग क्या होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है और कैसे पी टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, मैं आप यहाँ पे नोट्स बनाने के लिए लिखा हूँ, आप देख लीजिए, अगर आपको नोट्स बनाना है तो आप बना सकते हैं यहाँ पे। इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इवन एट रूम टेम्परेचर होल इलेक्ट्रॉन्स क्लियर आर क्रिएटेड व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड अक्रॉस इट। अगर हम इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो होल इलेक्ट्रॉन्स पेयर क्रिएट होता है, क्या क्रिएट होता है आपको, होल इलेक्ट्रॉन्स पेयर मीन्स जब हमारा कोवेलेंट बॉन्ड टूटता है तो उसमें क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन्स बनता है और उसी में हमारे इसमें क्या क्रिएट हो जाते हैं, होल क्रिएट हो जाते हैं। तो हम जैसा देख रहे हैं कि द करंट कंडक्शन टेक प्लेस बाय टू प्रोसेस, इसमें जो करंट का कंडक्शन होता है कितने प्रोसेस के थ्रू होता है, 2 प्रोसेस के होता है, नंबर 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, नंबर 2 होल्स के कारण। जो हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन्स कैसे क्रिएट होता है, ड्यू टू ब्रेकिंग अप कोवेलेंट बॉन्ड, जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड होता है क्या होता है, वो ब्रेक होता है, उसके कारण से हमारा क्या क्रिएट होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट होते हैं। और सेम टाइम पे क्या होते हैं, हमारे होल क्रिएट होते हैं, कैसे होते हैं मैं आपको बता देना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने एक ग्राफ लिया है, यहाँ पे मैंने आपको बना रखा है, ये जो हमारे बैलेंस बैंड है हमारा, ये हमारा क्या है, कंडक्शन बैंड है, इसमें क्या हमारे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स आप देख रहे हैं, जैसे यहाँ पे ये सब हमारे क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। और जैसे ही इसको थोड़ा सा एनर्जी मिलता है, ये जो यहाँ पे
फ्री इलेक्ट्रॉन का इशू, जैसे ही थोड़ा सा एनर्जी मिलता है तो क्या हो जाता है, ये यहाँ पे कंडक्शन बैंड में पहुंच के क्या बन जाता है, हमारा फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया कि क्या इस करंट कितने तरीके से फ्लो हो सकती है, दो तरीके से फ्लो हो सकती है, नंबर एक फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण, नंबर दो होल्स के कारण। अब देखिए आप यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ से ये जब इलेक्ट्रॉन चला गया तो यहाँ पे क्या हमारा होल क्रिएट हो गया, ये होल क्रिएट हो गया, ये हमारा क्या हो गया, क्रिएट यहाँ पे होल क्रिएट हो गया, यहाँ पे देख देखो यहाँ पे क्या हो गया, हमारा होल्स हो गया, ये हमारा क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गया, ये हमारा क्या बन गया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन गया। अब देखिए यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स है, अब ये हमारा होल्स है, होल्स पॉजिटिव होता है और ये हमारा क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है जहाँ पे मूव करके चला जाएगा कहाँ पहुँच जाएगा, इसकी जगह पे पहुँच जाएगा ये, और यहाँ पे जब ये पहुँच जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर अगेन होल क्रिएट हो जाएगा, फिर अगेन यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारा चला गया, यहाँ पहुँच के हमारा जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे पहुँच गया और ऑटोमेटिक यहाँ पे क्या हमारा क्रिएट हो जाएगा, होल्स क्रिएट हो जाएगा, और फिर अगेन क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होल्स है और यहाँ पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स फिर यहाँ पे होल को क्या कर देगा, जाके भर देगा और यहाँ पे क्या क्रिएट हो जाएगा, सेम टाइम पे हमारा क्या क्रिएट हो जा रहा है, होल क्रिएट हो जा रहा है। हम देख रहे हैं कि जैसे ही कोवेलेंट बॉन्ड हमारा ब्रेक हो रहा है तो यहाँ से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो रहे हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बन रहे हैं और साथ ही साथ मैंने यहाँ लिखा एट द सेम टाइम होल्स विल बी क्रिएटेड। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो गया, होल्स क्रिएट हुआ और फिर यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स था इस होल को क्या कर दिया, फुलफिल कर दिया और यहाँ पे क्या बन गया, दूसरा होल्स बन गया, फिर ये वाला इसको फुलफिल कर देगा, फिर यहाँ पे होल्स बन जाएगा। आप देख रहे हैं होल्स का ग्राफ हमको इस तरह से मूव कर रहा है और इलेक्ट्रॉन्स हमारा क्या है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो यहाँ पे जो करंट हमारी फ्लो हो रही है वो टू प्रोसेस के थ्रू फ्लो हो रही है, नंबर एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हमारे कहाँ से क्रिएट हो रहे हैं, ड्यू टू ब्रेकिंग अप कोवेलेंट बॉन्ड, जो हमारा कोवेलेंट बॉन्ड है उसमें जो टूट रहा है उसके कारण हो रहे हैं, और सेम टाइम पे आप जैसा देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, होल भी क्रिएट हो रहा है। मैंने अभी आपको बताया कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, वो कंडक्टर जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं, और इनकी कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा नहीं होती है इसलिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ी। और ये कैसे बनता है, ये जो प्योर सेमीकंडक्टर होता है इसमें हम कुछ चीज़ मिला देते हैं, जो मिलाते हैं उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पॉइंट लिख रखा है डोपिंग। डोपिंग क्या होती है कि जो हम इंट्रिंसिक जो हमारा प्योर सेमीकंडक्टर उसमें जो हमने अशुद्धि मिलाया, कुछ मिला दिया चीज़ें, उसको हम क्या कहते हैं इंट्रिंसिक से, उसको क्या बोलते हैं डोपिंग कहते हैं, और उसके थ्रू हमारा क्या बन जाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाता है। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे खेल्स होते हैं, आप कह देते हैं कि खिलाड़ी को क्या बाद में क्या पकड़ लिया गया, डोपिंग पकड़ लिया गया, इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी जो क्षमता थी उसने ड्रग्स लेके अपनी क्षमता को क्या कर लिया, बढ़ा लिया। वही सेम चीज़ इसमें होती है, इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है, कम होती है, उसमें जो हम अशुद्धि मिला देते हैं, मतलब इसकी जो क्षमता है उसको हम बढ़ा देते हैं, और वो जो अशुद्धि मिलाते हैं ना उसको मिलाने की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। इस तरह से जो हमारा बनता है, ये देखिए एग्जाम में बहुत बार पूछता है कि किस रेशियो में हम मिलाते हैं, ये चीज़ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो 10^8 हमारा प्योर सेमीकंडक्टर रहेगा, उसमें हम थोड़ी सी मात्रा क्या करेंगे, अशुद्धि की मात्रा मिला देंगे, तो हमारा क्या बन जाएगा, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बन जाएगा। तो ये आप जरूर रखना, याद रखना, क्योंकि एग्जाम में कई बार पूछा गया हुआ है कि ये किस अनुपात में हम इसको मिलाते हैं। और अब इसमें आगे आप देख रहे हैं कि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर हमारे दो भागों में अगेन डिवाइड है, एक तो एन टाइप सेमीकंडक्टर और एक दूसरा हमारा क्या पी टाइप सेमीकंडक्टर। और ये इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने डोपिंग किस चीज की है, पेंटागोनल की डोपिंग हमने किया है, ट्राइवेलेंट की हमने डोपिंग किया हुआ है, तो उस पर आपको डिपेंड करता है। अब मैं आपको सबसे पहले एन टाइप सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ, यहाँ पे देखिए हमारा एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब यहाँ पे हमने लिया सेमीकंडक्टर, हमारे पास क्या जर्मेनियम है, यहाँ पे जर्मेनियम, यहाँ पे हमने इसमें पेंटागोनल, पेंटागोनल मीन्स ये है कि जिसके आउटर साइड में 5 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हो, ऐसे एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, पेंटागोनल एलिमेंट्स बोलते हैं। इसकी हमने क्या कर दिया, यहाँ पे डोपिंग कर दिया, तो हमने लिया आर्सेनिक। आर्सेनिक का जैसा आप देख रहे हैं इसका एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है, 33 होता है, और इसका कंप्यूटेशन आप करोगे तो लास्ट में इसके आउटर साइड में देखिए आप कितने इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, आपको 5 मिल रहे हैं। या फिर इसकी जगह पे हम क्या ले सकते हैं, एंटीमनी ले सकते हैं, इसका एटॉमिक नंबर हमारा कितना होता है, 51 होता है। अगर इसका भी इलेक्ट्रॉन्स कंप्यूटेशन आप करोगे इसके आउटर साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर हम पेंटागोनल की डोपिंग करते हैं, पेंटागोनल की अशुद्धि मिलाते हैं, तो हमारा जो सेमीकंडक्टर बनता है वो किस टाइप का बनता है, एन टाइप का सेमीकंडक्टर बनता है, वो मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनता है। देखिए आर्सेनिक है, इसके आउटर साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये हमारा जर्मेनियम, यहाँ पे भी जर्मेनियम, यहाँ पे जर्मेनियम, यहाँ पे जर्मेनियम, ये जो इसके एक एक इलेक्ट्रॉन से यहाँ पे क्या बना लिया, कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया हमारा,
ये चार और इसके क्या हो गए, इसके ऑपरेशन में कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, और ये एक इलेक्ट्रॉन इसका क्या हुआ, फ्री हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया यहाँ से फ्री हो गया, तो इसको हम क्या कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं, ये मतलब डोनेट कर दिया इलेक्ट्रॉन को, क्या कर दिया एक तरह से डोनेट कर दिया, तो इस एमपीओटी को हम क्या बोलते हैं, डोनर एमपीओटी भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इसने क्या किया, आप देख रहे हैं ना कि चार इलेक्ट्रॉन इसने क्या कर लिया, अपने कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया, अब इसके आउटर से फुल हो गया 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, और ये जो इलेक्ट्रॉन हमारा बचा हुआ जो फ्री इलेक्ट्रॉन इसको इसने क्या कर दिया, डोनेट कर दिया, तो इसलिए कभी कभी आ जाता है एग्जाम में कि इस एमपीओटी को क्या कहते हैं, डोनर एमपीओटी कहते हैं, आपको एग्जाम में पूछ देगा कि पेंटा डोनर एमपीओटी को हम क्या कहते हैं, डोनर एमपीओटी कहते हैं या एक्सेप्टर एमपीओटी कहते हैं, तो आपको जैसा कि देखने से पता चला ये इसको क्या कर रहा है, डोनेट कर दे रहा है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया हमारा, डोनर एमपीओटी पड़ गया। दूसरा क्वेश्चन जो इसमें अराइज होता है वो आपको ये होता है कि एन टाइप सेमी कंडक्टर में किसकी मेजोरिटी होती है और किसकी माइनॉरिटी होती है, अगर मान लीजिए आप देख रहे हैं कि किसकी मेजोरिटी होती है और किसकी माइनॉरिटी होती है, वो चीज़ आपके यहाँ से क्लियर हो जाएगा। सपोज दैट मान लीजिए एक एलिमेंट ये है और इसके बराबर में भी सपोज दैट मैंने दूसरा एलिमेंट आपको यहाँ पे बना दिया, देखिए सेम प्रोसेस मैंने यहाँ पे बना दिया आपको, अगेन यहाँ पे मैंने क्या लिया, आर्सेनिक ले लिया, यहाँ पे हमने जर्मेनियम ले लिया, यहाँ पे भी हमने जर्मेनियम ले लिया, और यहाँ पे हमने जर्मेनियम ले लिया, यहाँ पे हमने जर्मेनियम ले लिया, अब तो एक एक इलेक्ट्रॉन इसके क्या हो जाएंगे, इनके साथ में ऐसे हो जाएंगे, इनके साथ में ऐसे हो जाएंगे, और इसका एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा यहाँ से, ये वाला इसका फ्री इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सीधे बन जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन बन जाएगा, बाकी तो इनके साथ में देखिए यहाँ पे जिसका यहाँ जिसका यहाँ से था, ये क्या कर लिया, हमारे कोवेलेंट बॉन्ड बना के इसने तो अपने आउटर सेल को पूरा कर लिया, और ये हमारा क्या फ्री हो गया, तो ऐसे मान लीजिए दूसरी संरचना हमने यहाँ पे बना दिया, यहाँ पे बना दिया, तो अब आप हमें बताओ कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब इसमें मेजोरिटी कौन है, सबसे ज्यादा कौन सा यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे मिल रहा है आपको, यहाँ पे मिल रहा है एक और मिल जाएगा, तो मतलब यहाँ पे मेजोरिटी किसकी यहाँ पे हो जा रही है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की हो जाएगी, तो दूसरा क्वेश्चन आपके यहाँ से राइज हो जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी मेजोरिटी हो रही है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की, तो फिर माइनॉरिटी किसकी हो जाएगी, होल्स की, तो ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में किसकी मेजोरिटी होती है, होल्स की होती है या इलेक्ट्रॉन्स की होती है, तो आप बता सकते हैं यहाँ पे देख कर कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की मेजोरिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, माइनॉरिटी हमारे पास क्या होते हैं, होल्स होते हैं, या फिर आपको कभी कभी पूछ लेता है कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किसकी डोपिंग करते हैं, तो आपको जैसा दिख रहा है पेंटागोनल की डोपिंग करते हैं, या फिर दूसरा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लेगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए हम कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की डोपिंग करते हैं, तो कितने भी 5 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं, ऐसे एलिमेंट जिसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनकी हम डोपिंग करके हम क्या बना लेते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर बना लेते हैं, ऐसे ही मैं आपको बता रहा हूँ पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर, इसके पहले मैंने आपको बताया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, यहाँ पे मैं आपको पी टाइप सेमीकंडक्टर बताना जा रहा हूँ, पी टाइप सेमीकंडक्टर वो सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें हम ट्राइवेलेंट की डोपिंग कर देते हैं, ट्राइवेलेंट कहने का मतलब ऐसे एलिमेंट की डोपिंग करते हैं जिसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जैसे गैलेनियम, गैलेनियम का एटॉमिक नंबर कितना, 31, आप इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करेंगे, देखिए 2, 8, 18 and 3, तो इसके आउटर शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, अगर हम इस तरह के एलिमेंट की डोपिंग कर दें, डोपिंग करने का मतलब उसमें इम्प्योरिटी मिला दें, तो वो इस टाइप का बन जाएगा हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। एक चीज़ मैं आपको और बता के देना चाहता हूँ कि जो डोपिंग शब्द मैंने यहाँ पे लिया है, डोपिंग से सिर्फ एलिमेंट की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी चेंज होगी, ना कि उसकी क्रिस्टल संरचना चेंज हो जाएगी, इसकी जैसे जर्मेनियम और सिलिकॉन की मैं बात करूँ, इनकी होती है टेट्राहेड्रल होती है, इनकी संरचना नहीं चेंज होती है, आप ध्यान रखना, अगर कभी एग्जाम में आपको पूछ देता है कि इनकी संरचना चेंज होती है, संरचना इनकी चेंज नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ इनकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, और इसकी जो जर्मेनियम है सिलिकॉन है इनकी जो संरचना होती है वो टेट्राहेड्रल होती है, जैसे हीरा हीरे की तरह होती है। यहाँ पे नोट्स के लिए मैंने थोड़ा सा लिख रखा है, व्हेन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ए ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी इज एडेड टू ए प्योर सेमीकंडक्टर इट्स कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। जैसे हमने यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने गैलेनियम लिया है, गैलेनियम हमारा क्या है, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, वो ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी कैसे हो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है, इसका आप इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन करोगे तो इसके आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। अब देखिए इसके आउटर सेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है, और यहाँ पे क्या हमने लिया है, सेमीकंडक्टर लिया है, क्या जर्मेनियम लिया है, तो ये तो हमने सिर्फ आपको एक बॉन्डिंग दिखाया, इसके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अगर हम फिर इधर बनाते तो वो लंबा होता, सिर्फ आपको समझाने के लिए हमने सिर्फ छोटा सा एग्जांपल लिया है।
यहाँ पे देखिए जर्मेनियम है, यहाँ पे भी जर्मेनियम, यहाँ भी जर्मेनियम, यहाँ पे भी जर्मेनियम। अब ये यहाँ पे एक कोवेलेंट बॉन्ड बना लिया। कोवेलेंट बॉन्ड बनाने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर किया और एक इलेक्ट्रॉन इसमें शेयर कर दिया, ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, यहाँ पे भी बन गया और यहाँ पे बन गया। लेकिन यहाँ पे क्या है, एक इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहाँ पे उसके बाद से क्या क्रिएट हो जाएगा, होल क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, होल्स कहते हैं। और ये जो इम्प्योरिटी है उसको हम कौन सी इम्प्योरिटी कहते हैं, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी कहते हैं। दूसरा चीज क्या है, ये क्या करेगा, किसी इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा। जैसे मैंने उसमें आपको बताया था यन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या हो रहा था, ये डोनेट कर रहा था। यहाँ पे क्या था, पेंटागोनल की उसमें यन टाइप में हमने किसकी बुकिंग की थी, पेंटागोनल की थी। तो वो आप देखेंगे वीडियो में, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो रहा था, मतलब वो डोनेट किया जा रहा था। लेकिन क्या यहाँ पे क्या है, वो एक चीज को क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसलिए इस एम्प्योरिटी को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर एम्प्योरिटीज भी कहते हैं। कभी कभी आपको एग्जाम में पूछ देता है कि इसमें हम पी टाइप सेमीकंडक्टर बनाने के लिए किसकी डोपिंग करते हैं, आपको ये ट्राइवेलेंट या पेंटागोनल इस तरह से ना देके वो पूछ देगा, एक्सेप्टर एम्प्योरिटी की डोपिंग करते हैं या फिर डोनर एम्प्योरिटी की डोपिंग करते हैं। तो आपको क्वेश्चन वही है, सिर्फ आपको थोड़ा सा उसमें क्या किया, घुमाने की कोशिश किया है। तो आप ये ध्यान रखना कि पी टाइप में हम किसकी डोपिंग करते हैं, इसका दूसरा नाम क्या है, एक्सेप्टर एम्प्योरिटीज। और एन टाइप की बात करते हैं तो उसमें क्या हो जाएगा, हमारा डोनर एम्प्योरिटीज हो जाता है। और जो हमारा ये सेमी कंडक्टर है, इसमें क्या, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अगर हम टेम्परेचर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे मैं टेम्परेचर लिखता हूँ, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या करेगा, डिक्रीज होगा। तो इसलिए ये हमारा क्या है, एन टी सी है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है कि जो हमारा सेमी कंडक्टर वो निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट है या हमारा पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशियंट है। तो आप ध्यान रखना, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा, ये रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारी क्या होगी, इसकी डिक्रीज होगी। इसलिए क्या हमारा है, निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट है, मतलब अपोजिट रिस्पॉन्स दे रहा है। दूसरा क्वेश्चन आपसे क्रिएट होता है जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे हमारा सेमी कंडक्टर किस तरह से बिहेव करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो क्वेश्चन मैंने आपको ये वाला बताया। और दूसरा हमारा पूछता है आपसे कि एट एब्सोल्यूट टेम्परेचर, एट एब्सोल्यूट बिलो जीरो टेम्परेचर पूछता है कि एट एब्सोल्यूट बिलो जीरो टेम्परेचर पे हमारा सेमी कंडक्टर किस तरह से बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा या सेमी कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। तीनों ऑप्शन आपको मिलेंगे या चौथा ऑप्शन तो लिखा हुआ रहेगा। आप भी तो आप जरूर याद रखना, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हमारा ये कैसा बिहेव करेगा, एट इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ये काफी इंपॉर्टेंट दोनों क्वेश्चन है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये। एक तो ये कि हमारा सेमीकंडक्टर पीटीसी होता है या एनटीसी होता है, आप ध्यान रखना एनटीसी होता है। दूसरा हमारा ये क्या, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हमारा सेमीकंडक्टर किस तरह से बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह करेगा। इंसुलेटर की तरह क्यों करता है, मैं आपको बता देना चाहता हूं थोड़ा से, कि जीरो टेम्परेचर पे इसके जो बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड जो बनते हैं, वो काफी टाइटली बंधे हुए होते हैं एक दूसरे से, इसलिए क्या होता है, फ्री नहीं हो पाती उसमें से। तो इसलिए हमारा क्या, इस तरह से किस तरह से बिहेव करता है, इंसुलेटर की तरह से, उसमें करंट का फ्लो नहीं होता है। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक मैंने कवर किया उसके क्वेश्चन आपको दे रहा हूँ, काफी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ जो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड है, जो मैंने आपको थ्योरी दिया था उससे रिलेटेड है और एग्जाम्स में भी काफी पूछे जाते हैं। इससे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख रहे हैं, अ सेमी कंडक्टर हैज, यहाँ पे डी से शूट किया है कि क्या आएगा, पार्ट बी ऑफ रेजिस्टेंस। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है, पी टी सी होता है या एन टी सी होता है, मैंने उसने बताया था। तो ये क्या हमारा होता है, एन टी सी मीन्स निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट, एन टी सी निगेटिव टेम्परेचर कोफिशियंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट कॉमनली यूज सेमी कंडक्टर, सबसे ज़्यादा हम कौन सा सेमी कंडक्टर यूज करते हैं, हम जब मोस्टली यूज करते हैं सिलिकॉन और जर्मेनियम, इन दोनों में सबसे ज़्यादा कौन सा यूज करते हैं, तो वो क्या है, सिलिकॉन। मैंने आपको बताया था उसमें क्या हमारा ये सिलिकॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड नंबर है, अ सेमी कंडक्टर हैज जनरली व्हाट विल बी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, कितने बैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे सेमी कंडक्टर में। तो आपको पता होगा जब मैं बता रहा था उस टाइम, तो फोर, कितने होंगे यहाँ पे, फोर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेंटागोनल इम्प्योरिटी हैज हाउ मेनी बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स,
कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी में? 5। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर इज, यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, पॉजिटिव चार्ज, निगेटिव चार्ज, थर्ड ऑप्शन है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, डी ऑप्शन है नन ऑफ दीज। जैसा कि हमें देख किसे ऐसा लग रहा है कि एन टाइप का है, क्या होगा इसमें, कौन सा चार्ज होगा? निगेटिव चार्ज होगा, क्योंकि हमें ये लगता है कि पी रहता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज, लेकिन ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप ध्यान रखना, चाहे पी टाइप हो या एन टाइप से कंडक्टर हो, ये क्या होते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल्स होते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपकी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, एडिशन ऑफ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी टू अ सेमी कंडक्टर क्रिएट्स मेनी, व्हाट मीन क्रिएट्स? क्या बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रिएट होता है? होल्स होते हैं या नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? यहाँ पे क्या आ जाएंगे? यहाँ पे डोपिंग हम किसकी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी मिला रहे हैं। तो हमने आपको देखा तो पेंटावेलेंट मिलाने से फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ क्रिएट हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या हो जाएंगे यहाँ पे? मेनी फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ये जो मैंने अभी आपको सारे क्वेश्चन दिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको अच्छे से एक बार प्रिपेयर कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को जो ये क्वेश्चन बताया कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि ये टाइप सेमी कंडक्टर हमारा क्या होता है, और ये या फिर इसके एडिशन से हम क्या करते हैं, तो ये किसी भी कंपटीशन के एग्जाम के लिए हम जे यू करेंगे एग्जाम में बैठते हैं, तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अपने नोट्स बना के प्रिपेयर कर सकते हैं अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इन अ सेमीकंडक्टर करंट कंडक्शन इज ड्यू टू व्हाट, मतलब किस रीजंस के कारण से करंट कंडक्शन होती है सेमीकंडक्टर में? तो क्या होता है ये हमारा, आपको चार ऑप्शन मिलेंगे, वहां पे ऐसा मिलेगा लिखा रहेगा फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण से होती है, और या होल्स के कारण से होती है, या बोर के कारण से होती है, या चौथा ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज में से किसी कारण से नहीं होती है। तो यहाँ पे किसके कारण से होती है? होल्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स के कारण से क्या होती है? करंट कंडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इम्प्योरिटी लेवल इन अ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज अबाउट डैश व्हाट, यहाँ पे क्या आएगा? ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर, कहने का मतलब है कि इसमें जो इम्प्योरिटी मिलाते हैं प्योर सेमीकंडक्टर हमारा होता है, तो उसमें किस लेवल पे हम मिलाते हैं? तो वो रेशियो होता है, मैंने आपको क्वेश्चन भी बता रखा है, 1:10^8। मैं आपको जब वीडियो बता रहा था, आपको सिलेबस सेट करवा रहा था, उसमें मैंने बताया था इसको किस रेशियो में हम इसको मिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर सेमीकंडक्टर भी है, मतलब किस तरह का बिहेव करता है? जीरो टेम्परेचर, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे हमारा सेमीकंडक्टर किस तरह का बिहेव करता है? आपको ऑप्शन रहेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, या सेमीकंडक्टर की तरह बिहेव करता है, या कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, या चौथा ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज। तो आपको मैंने बताया था कि किस तरह से बिहेव करता है, ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, इस तरह से इंसुलेटर की तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, एन इंसुलेटर द एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, मतलब बैलेंस बैंड इंसुलेटर में बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के बीच में एनर्जी गैप इतना होता है, कब हम कह सकते हैं बैलेंस बैंड और एनर्जी बैंड को देख के उनकी एनर्जी गैप के अकॉर्डिंग ये इंसुलेटर है या कंडक्टर है? तो इंसुलेटर के लिए मैंने आपको बताया था ग्रेटर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, और 1 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट में हमारा होता है 1.6×10⁻¹⁹ जूल। आप जरूर इसे ध्यान रखिए, कभी कभी आपको आ जाएगा एग्जाम्स में, क्योंकि इससे रिलेटेड है इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट, तो आपको आ जाएगा कि 1 इलेक्ट्रॉन्स वोल्ट इज इक्वल टू क्या होता है, तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.6×10⁻¹⁹ जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, इन सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप बिटवीन बैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड, इसमें है जैसे अभी आपने हमें बताया इंसुलेटर में क्या होता है, इसी तरह से इसमें क्या है एनर्जी गैप कितना होता है वो चीज़ है, तो नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितना होता है इसमें सेमीकंडक्टर में, नियर अबाउट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीकेज करंट अक्रॉस अ पीएन जंक्शन ड्यू टू, जो लीकेज करंट फ्लो होती है हमारी पीएन जंक्शन में वो किसके कारण से होती है? आपको कुछ चार ऑप्शन रहेंगे, मेजोरिटी कैरियर के कारण से होती है, माइनॉरिटी कैरियर के कारण से होती है, दोनों के कारण से होती है, चौथा ऑप्शन रहेगा नन ऑफ दीज। तो हमें पता है लीकेज करंट की बात कर रहा है, जिसके लीकेज करंट कैरियर फ्लो होती है किसके कारण से होती है? माइनॉरिटी कैरियर के कारण से होती है।
माइनॉरिटी कैरियर के कारण से, इसके कारण से होती है माइनॉरिटी कैरियर के कारण से होती है लीकेज करंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एन टाइप सेमीकंडक्टर माइनॉरिटी कैरियर्स आर, जब मैंने आपको बता रहा था उसमें बताया होगा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इन एन टाइप सेमीकंडक्टर माइनॉरिटी कैरियर्स में क्या हो जाएंगे, आपको मैंने वहाँ पर बताया था कि एन टाइप्स में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्या थे, बहुत ज़्यादा थे, तो बहुत ज़्यादा थे वो तो मेजॉरिटी हो जाएंगे, बच गए क्या होल्स, होल्स हमारे क्या हो जाएंगे माइनॉरिटी कैरियर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पे क्या पूछा हुआ क्वेश्चन में, माइनॉरिटी को कैरियर पूछा हुआ, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पे होल्स हो जाएंगे यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं इन पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी कैरियर्स आर, यहाँ पे क्या बात कर लिया इसने मेजॉरिटी कैरियर पूछ लिया आपसे, तो पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स में क्या होते हैं हमारे पास होल्स होते हैं और माइनॉरिटी कैरियर्स पी टाइप में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा है पी टाइप में मेजॉरिटी कैरियर्स, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे होल्स। मेरे बच्चों मैंने आपको यहाँ पे सेमीकंडक्टर के बारे में बताया है, ये हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे हम जेई की तैयारी करते हैं, दिल्ली मेट्रो की करते हैं, बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की तैयारी करते हैं, इंडियन रेलवे की तैयारी करते हैं, तो ये सारे जो क्वेश्चन मैंने सेमीकंडक्टर से बताए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और काफ़ी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, अगर आप एसएससी का एग्जाम देते हैं उसमें भी काफ़ी पूछे गए हैं एग्जाम, और नेक्स्ट वीडियोज भी हम आपको इससे रिलेटेड या नेक्स्ट टॉपिक से रिलेटेड आपको कंटिन्यू प्रोवाइड करते रहेंगे। थैंक यू, आप मेरे YouTube चैनल A to Z कैरियर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, आपको अगर मेरी वीडियो ये अच्छी लगी इसको आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कमेंट बॉक्स में आपको जैसा भी लगा है, अगर किसी नेक्स्ट वीडियो की नीड हो या इससे रिलेटेड कोई आपको क्वेरीज हो उनको आप जरूर शेयर करना, और ये वीडियो में सिर्फ मेरा मोटिव बनाने का ये पर्पज है, जो बच्चे बहुत दूर के हैं या गरीब बच्चे हैं जिनको फाइनेंशियल अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उनकी हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो यहाँ पे आपके लिए बनाया, जो बच्चे घर पे बैठ के प्रिपरेशन करते हैं। इस वीडियो को बनाने का मेरा सिर्फ एक ही मोटिव था कि जो बच्चे काफ़ी दूर से हैं और उनको सही जगह गांव में हैं, उनको अच्छी जगह पे नहीं शिक्षा मिल पा रही है, तो घर बैठे हुए ये मेरे YouTube चैनल A to Z कैरियर के थ्रू अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, इसका उनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, और जो भी होगा कमेंट बॉक्स में आप हमें कमेंट करिएगा, और लेकिन मेरे सब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और उसको लाइक करिएगा, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो और अच्छी से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करके आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा मैं प्रोवाइड कर सकूँ। बेस्ट ऑफ लक फॉर अदर कॉम्पिटिटिव कमिंग एग्जामिनेशन। थैंक यू, माय नेम इज इंजीनियर अरविंद यादव। प्यारे छात्रों, आपने देखा अरविंद यादव जी ने कितनी मेहनत की है, तो हम आपको दिखाते हैं कि इस वीडियो को बनाने में हमें कितनी मेहनत लगी। मैं आपको बता देता हूँ इस वीडियो को बनाने में हमने कितनी मेहनत की है, किस तरह से वीडियो शूट आउट हुआ था, ये कुछ बिहाइंड द सीन्स हमने लिए हैं कि किस तरह से हमने वीडियो को शूट आउट किया है। देखिए अरविंद सर कैसे पूरे एक एक बोर्ड पर लिखते थे, और आप देख सकते हैं कि हमने किस तरह से इतनी मेहनत की है आपके लिए, ये पूरा का पूरा सेटअप हमने लगाया है, और ये बहुत ही आसान काम नहीं होता, इसमें काफी समय हमें लग जाता था, लगभग एक एक दो दो घंटे, और ये वीडियो हम पूरा 3 दिन में शूट कर पाए, जो आपको आधा घंटे से 1 घंटे के बीच मिल रही है। ये कुछ बिहाइंड द सीन्स ऑप्शंस हैं हमारे, और आई होप दैट यू विल लाइक दीज वीडियोस एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू यू। देखिए आप पूरा बोर्ड लिखने में कितना समय हमें लग जाता था, और प्यारे छात्रों आप हमारे चैनल A to Z करियर्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में बेल वाला आइकन भी दबाएं, प्लेलिस्ट में जाके आप हमारी नई वीडियोस को देख सकते हैं, उसमें हमने ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी शुरू की है, जिसमें हमने नया सेक्शन लिया है JEE एग्जाम्स का, टेक्निकल प्रिपरेशन का, जिसको आपके लिए पेश किया था अरविंद यादव जी ने। आज मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया इंजीनियर अरविंद यादव जी का, और ऐसे ही कुछ एक्सपर्ट्स हम लोग जोड़ते चले जाएंगे A to Z करियर्स में। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू दैट वी हैव रीच 10,000 सब्सक्राइबर, मुझे आपको सूचित करते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे 10,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं, और आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर लव एंड अफेक्शन एंड ऑल दिस कॉम्पिटेटिव एग्जाम यू कैन प्रिपेयर, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल A to Z करियर स्मार्ट ट्रिक्स मेमोरी टेक्निक्स, एंड दीज आर फॉर ऑल कॉम्पिटिशन बैंक पीओ क्लर्क कैट MBBS SCBA दिल्ली पुलिस UP पुलिस JEE एग्जाम DMRC एग्जाम रेलवे ग्रुप डी एग्जाम ALP एग्जाम ATC एग्जाम ऑल अदर टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एग्जाम्स यू कैन प्रिपेयर विद अवर चैनल A to Z करियर्स। God bless you all the success of a competitive exam and you will get the government job surely one day. I am very thankful to you. Thank you very much, प्यारे छात्रों।